मैं करुणा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते क्या हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वो वेस्ट मटेरियल होते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं और उनको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी होता है तो आइए देखते हैं ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते कौन कौन से हैं और कैसे इनका एलिमिनेशन होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड ये जो है मेजर फॉर्म है वेस्ट की ठीक है अमोनिया जो है वो मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है मोस्ट टॉक्सिक है इसीलिए इसको लार्ज अमाउंट ऑफ वॉटर की जरूरत है एलिमिनेशन के लिए किस लिए क्यों जरूरत है ज्यादा वाटर की क्योंकि ज्यादा टॉक्सिक है यूरिक एसिड है वो लिस्ट टॉक्सिक है ठीक है यूरिक एसिड लिस्ट टॉक्सिक है मिनिमम वाटर चाहिए उसको एलिमिनेशन के लिए ओके तो अमोनिया का जो एक्सक्रीशन है उस प्रोसेस को बोलेंगे अमोनोटेलिज्म एग्जाम्स में आते हैं शॉर्ट फॉर्म में भी आते हैं लॉन्ग फॉर्म में भी आते हैं कि नोट लिखो नाइट्रोजनस वेस्ट पे ठीक है और क्या है ये होते किन में है जो एक्वाटिक फॉर्म्स है ठीक है जैसे बोनीफिश है एक्वाटिक एम्फिबियंस और रेप्टाइल्स हैं उनमें होते हैं ये ठीक है एक्वाटिक एम्फीबियंस एक्वाटिक इंसेक्ट्स ठीक है एक बार फिर से रिपीट करती हूँ जो मेजर फॉर्म्स है नाइट्रोजेनस वेस्ट की वो है अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड अमोनिया है वो ज्यादा टॉक्सिक है उसको ज्यादा वाटर चाहिए एलिमिनेट करने के लिए यूरिक एसिड है वो लिस्ट टॉक्सिक है उसको एलिमिनेट करने के लिए सबसे कम पानी चाहिए मिनिमम वाटर चाहिए जो प्रोसेस है जिसके थ्रू अमोनिया रिलीज होता है उसको कहते हैं अमोनोटेलिज्म एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं वो शो करते हैं अमोनोटेलिज्म को ठीक है नेक्स्ट चलते हैं जो ट्रस्टियल फॉर्म है उसमें जो वेस्ट है वो है यूरिया एंड यूरिक एसिड क्यों क्योंकि वाटर कंजर्व करना होता है उनको वाटर के कंजर्वेशन के लिए कि मिनिमम वाटर लॉस हो बॉडी से इसके लिए कौन सी फॉर्म होती है वेस्ट की यूरिया एंड यूरिक एसिड ठीक है मैमल्स जो है मैमल्स उसमें जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो होता है यूरिया ठीक है कौन सा होता है यूरिया जो रेप्टाइल्स हैं बर्ड्स हैं स्नेल्स हैं इंसेक्ट्स हैं वो क्या वेस्ट करते हैं यूरिक एसिड एज ए पैलेट और पेस्ट विद ए मिनिमम लॉस ऑफ वॉटर अभी मैंने बताया जो यूरिकोटेलिक एनिमल्स हैं वो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं क्यों वोटर का लॉस ना हो इसलिए ज्यादा वोटर लॉस ना हो ठीक है बात करते हैं एक्सक्रीटरी एक्सक्रीटरी की एक स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं वेस्ट के एलिमिनेशन के लिए प्रोटोन जिसको की फ्लेम सेल बोलते हैं किसमें होते हैं प्लेटी हेलमेंट्स में एग्जाम्पल फ्लैटवेरिया का रोटी रोटीफर्स में सम एनोलिट्स में और सिपेलो में स्पेलो में एग्जाम्पल बता रखा है एम्फियोक्सस का नेक्स्ट बात करते हैं नेफ्रिडिया नेफ्रिडिया किस में होते हैं अर्थफॉर्म्स में और एनालिट्स में मालपीजियन टूबुल्स जो कि स्पेसिफिक किस में है कॉकरोच में और भी इंसेक्ट्स हैं जिसमें होती है मालपीजियन टूबुल्स टीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड है वो होती है प्रोन में ठीक है तो ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे रखी है कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एक्सक्रीशन में हेल्प करता है एग्जाम्पल दे रखे हैं एनिमल्स के कि इस इसमें ये प्रेजेंट होते हैं अब पढ़ते हैं ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में एक पेयर किडनी का होता है एक पेयर यूरेटर का एंड आइए देखते हैं ए पेयर ऑफ किडनी ए पेयर ऑफ यूरेटर यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरेथ्रा देखिए, किडनी का एक पेयर होता है एक ये किडनी एक ये किडनी ठीक है है ये कंप्लीट क्या किडनी ठीक है एक ये वाली ये जो दिखा रखी है ये है यूरेटर ये यूरिनरी एंड यूरेथ्रा ठीक है जो किडनी है हमारी वो रेडिश ब्राउन और बीन सेप की होती है कहाँ प्रेजेंट होती है लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में किसके बीच में लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में ठीक है किडनी के डायमेंशन की अगर बात करें तो वो अगर लेंथ की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है की अगर बात करें तो 5 से 7 सेंटीमीटर होती है और थिकनेस की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है वेट की अगर बात करें तो 120 ट्वेंटी टू वन ग्राम होता है ठीक है हम एक किडनी को ले लेते हैं और उसके स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ते हैं ठीक है, है। चलिए ये देखिए ये है किडनी जो यहाँ ये वा, ये वाला पोर्शन है जहां से आर्टरीज वेंस आती और जाती हैं यूरेटर निकलता है यहाँ से तो इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं हाइलम ठीक है और क्या है ये जो हाइलम के अंदर वाला पोर्शन है ये वाला यहाँ से इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस ठीक है जो किस के, किस में जिसमें क्या प्रेजेंट है प्रोजेक्शंस जिसको बोलते हैं कैलिक्स ठीक है अब किडनी के दो पार्ट हैं आउटर जो पार्ट है ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं कोटेक्स और इनर जो है उसको बोलते हैं मेडुला जो किस फॉर्म में होते हैं ये देखिए ये जो है ये इस फॉर्म में होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स कुछ पार्ट कोटेक्स का मेडुला में होता है ये वाला इसको बोलते हैं रेनल कोल्यूम्स और रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी ठीक है कितने पार्ट होते हैं किडनी के टू कोटेस और मेडुला medulla. जो मेडुलरी रीजन है उसमें पिरामिड्स है, है? क्या बोलेंगे मेडुलरी पिरामिड्स और वो पोर्शन कोटेक्स का जो मेडुला के अंदर है उसको क्या बोलेंगे? रीनल कॉलम्स और कॉलम्स ऑफ बर्टिनी ठीक है आया हाँ बात समझ में चलो ये सब वही बताया हुआ है आप नोट्स बनाना चाहो तो यहां से बना सकते हो ठीक है अब ये है नेफ्रोन जो किडनी है वो नेफ्रोन से मिलके बनी हुई है तो हम बोल सकते हैं नेफ्रोन क्या है किडनी की फंक्शनल यूनिट है ठीक है नेफ्रोन की अगर बात करें तो नेफ्रोन के अंदर जो आर्ट्रियोल आती है उसको बोलते हैं ए फ्रंट आर्ट्रियोल ठीक है और जो छोड़ती है इसको नेफ्रोन को नेफ्रोन से बाहर जाती है उसको बोलते हैं ई फ्रंट आर्ट्रियोल ठीक है ई फ्रंट आर्ट्रियोल यहाँ आके कैपेलरी का टफ्ट बना लेती है कैपेलरीज का टफ्ट बना लेती है इस तरह से जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस और ये कप लाइक -like स्ट्रक्चर जो है ग्लोमेरुलस से नीचे इसको हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल क्या बोलते हैं बोमेन कैप्सूल बोमेन कैप्सूल यहाँ आके कोल्ड स्ट्रक्चर बना लेता है ये इसको हम बोलते हैं पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल ठीक है आगे जाके ये हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ये वाला जो येलो दिखा रखा है इसको हम बोलते हैं हनल्स लूप इसमें दो पोर्शन है डिसेंडिंग पोर्शन और असेंडिंग पोर्शन ठीक है अब ये जो है इफ्रंट इसी के पैरल में स्ट्रक्चर बनाता है इसको बोलते हैं वाजा रेक्टी जो ये ब्राउन सर दिखा रखा है ये वाला क्या है वाजा रेक्टी ठीक है अब यहाँ तक हमने बात की ये क्या बन गया था हनल स्वरूप इस इसके आगे फिर कोल्ड स्ट्रक्चर बनेगा जिसको बोलेंगे डीसी टी डिस्टिल ट्यूबुल टी ठीक है अब ये किसमें जाके खुलती है कोलेक्टिंग डक्ट में आई बात समझ सबसे पहले ए फ्रंट आर्ट्रियोल आई क्या बनाया ग्लोमेरुलस? क्या निकला यहां से फ्रंट e आर्ट्रियोल इसने क्या बनाया वाजा रेक्टा ग्लोमेरुलस से क्या बना फिर पीसीटी हनल स्लूप डीसीटी एंड कलेक्टिंग एंड कोलेक्टिंग है ये है नेफ्रोन का स्ट्रक्चर अब नेफ्रोन टू टाइप्स के होते हैं कोर्टिकल और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रोन पहले तो ये किस बेसिस पे है जो ये नेफ्रोन है इसको अगर हम देखें तो ये इतना जो पोर्शन है ऊपर वाला पोर्शन इसको बोलते हैं कोर्टिक कोर्टेक्स तो जो ये वोमेन कैप्सूल है ग्लोमेरुलस है ये पीसीटी है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं कोर्टेक्स में और हनल कहां प्रेजेंट होती है मेडुला में नीचे वाला जो पोर्शन है वो है मेडुला तो हनल स्लोप कहाँ है मेडुला में ठीक है कुछ नेफ्रोन्स ऐसे होते हैं जिसमें हनल स्लोप छोटी होती है होती है तो कोर्टेक्स रीजन में ही होती है उनको हम बोलते हैं कोर्टिकल नेफ्रोन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हनल स्त्र काफी बड़ी होती है और मेडुलरी रीजन में आई हुई होती है उनको बोलते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रोन ठीक है ये आगे बताया हुआ है आप देख सकते हो अब देखो जो ब्लड है ग्लोमेरुलस से कहा जाएगा बाहर किसके थ्रू ई फ्रंट आर्ट्रियोल के थ्रू ठीक है यही बता रखा है ना और ट्यूबुल्स कहां से शुरू होती है बोमेन कैप्सूल से कौन सी बनती है पहले पीसीटी डीसीटी और फिर किस में जाएंगी ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल दोनों को अगर इकट्ठा हम बोले तो क्या बोलेंगे उसके लिए हम क्या यूज करेंगे मालपीजियन बॉडी और रिनल ठीक है जो ग्लोमेरुलस है और बोमेन कैप्सूल है उसको साथ में क्या बोलेंगे मालपीजियन बॉडी ठीक है देखो इन दोनों को ग्लोमेरुलस को और बोमेन कैप्सूल को ठीक है ये वही है पीसीटी डीसीटी और हनाल स्लूप ठीक है अब ये आया यूरिन फॉर्मेशन यूरिन फॉर्मेशन में तीन प्रोसेस इन्वॉल्व होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन कौन कौन सी होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन ठीक है जो डिफरेंट पार्ट्स में होती है नेफ्रोन जो हमने अभी देखा डायग्राम नेफ्रोन का उसके डिफरेंट पार्ट्स में होती है फिल्ट्रेशन नाम से ही शो हो रहा है फिल्ट्रेट फिल्ट्रेशन होगा उसमें कुछ जो स्मॉल सब्सटेंसेस हैं वोटर है वो चले जाएंगे लेकिन जो बड़े सब, प्रोटीन्स हैं वो फिल्ट्रेट में नहीं आएंगे रीअब्जॉर्प्शन जो फिल्ट्रेट में है सब्सटेंसेस वाटर है उनका रीअब्जॉर्प्शन सिक्रीशन उसमें सिक्रीट करना और चीजें डालना ठीक है तो फर्स्ट स्टेप है वो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है जो कहाँ होगा कौन कैरी करेगा ग्लोमेरुलस इसलिए इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हमारी किडनी एक मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर करती है ठीक है तो तीन जो मेम्ब्रेन है थ्री ब्लड वेजल्स है मेम्ब्रेन है वो ये प्रोसेस परफॉर्म करती है उनके थ्रू ये प्रोसेस होती है तो ग्लोमेरुलर जो ब्लड वेज़ल है वो वोमेन्स कैप्सुलपिथिलियम है वो इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो इन्वॉल्व होती है आइए देखते हैं कैसे होती है देखो ये जो है ये क्या है ग्लोमेरुलस ठीक है ग्लोमेरुलस हुआ ये जो है ये किसकी वॉल है बोमेन की अंदर वाली वॉल है ये बाहर वाली वोल्व है और ये बीच का ल्यूमन है मतलब यहां से यहाँ ये वोल्व है किसकी किसकी वॉल है ये बोमेन कैप्सुल की और ये जो है ये क्या है ग्लोमेरुलस और इनके बीच में ये जो यहाँ दिखा रखा है ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन तो वोमेन कैप्सूल की जो सेल्स है इसमें काफी सारे ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं स्लिट्स पोर जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं इसलिए बोलते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेट बनता है इससे जो बनता है जो सब्सटेंस जो स्मॉल होते हैं उसको फिल्टर होने देते हैं ठीक है लार्ज जो प्रोटीन्स हैं वो नहीं आते ठीक है ये है वोल्स का डायग्राम ये दिखा रखा है यहाँ पे पोडोसाइड्स स कैप्सूल में ठीक है ये ये फ्रंट आर्ट्रियल जो ब्लड लेके आएगी ई फ्रंट जो बाहर लेके जाएगी यहाँ पे ये प्रेशर दिखा रखा है जो ग्लोमेरुलस में ब्लड आएगा उसका प्रेशर है सेवेंटी फाइव एम एम एच जी यहाँ जो ओस्मोटिक प्रेशर है सब्सटेंस है जिनकी वजह से प्रोटीन्स वगैरह की वजह से उसकी वजह से है थर्टी एम एम एच जी और यहाँ पे जो प्रेशर है वो है फिफ्टीन एम एम एच जी ठीक है यहाँ से फिल्ट्रेट फिल्टर होके फिर आगे पीसीटी में आएगा यहाँ पे फिर एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन की प्रोसेस चलेगी आगे वो देखेंगे हम चलिए ठीक है ये देखो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक मिनट में किडनी कितना फिल्ट्रेट बना रही है उसको हम क्या बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो कि कितना है वन ट्वेंटी फाइव एम एल पर मिनट और वन एटी लीटर पर डे ठीक है काफी सारे मैकेनिजम्स होते हैं रेगुलेट करने के लिए फिल्ट्रेट को ठीक है आइए देखते हैं ये जो ट्यूबुल्स पे कई फंक्शंस को देखते हैं सबसे पहले कौन सी थी पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन ट्यूबुल क्या करती है सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है क्योंकि कॉइल्ड थी ना सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगी क्या होगा न्यूट्रिएंट्स का रीअब्जॉर्प्शन होगा 70 से 80 परसेंट इलेक्ट्रोलाइट एंड वोटर रीअब्जॉर्ब बाय दिस सेगमेंट ठीक है आयनिक बैलेंस और पीएच को मेंटेन करने के लिए इसमें ये सिक्रीट भी करता है कुछ क्या सिक्रीट करता है फिल्ट्रेट के अंदर हाइड्रोजन आयन और अमोनिया ठीक है इनटू फिल्ट्रेट फिल्ट्रेट के अंदर सिक्रीट करता है और एब्जॉर्ब क्या करेगा एच फ्रॉम इट किस लिए? आयनिक बैलेंस और पीएच को मेंटेन करने के लिए, ठीक है देखो ये दिखा रखा है यहाँ एबजॉर्न हो रहा है का, का, न्यूट्रिएंट एच है, थ्री नेगेटिव और ये सीक्रेट क्या कर रहा है एच पॉजिटिव और अमोनिया आयनिक बैलेंस को बनाने के लिए ठीक है फिर ये आया वाटर के लिए वाटर को एब्सॉर्ब करेगी लेकिन ई परमेबल है एन के लिए यहां एब्जॉर्प्शन नहीं होगा NACL का इलेक्ट्रोलाइट का यहां होगा असेंडिंग असेंडिंग लिम में तो ये उल्टा है यहां वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा यहां वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा यहां वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा तो फिल्ट्रेट कैसा है कंसेंट्रेटेड है यहां एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा इलेक्ट्रोलाइट का हो रहा है तो यहां कैसा है डाइल्यूट है ठीक है अब यहां जाएगा डीसीटी में ठीक है डिसिटी में जाएगा तो यहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है फिर से वॉटर का इलेक्ट्रोलाइट्स का और सिक्रीशन हो रहा है के पॉजिटिव और एच पॉजिटिव का टू मेंटेन पीएच और आयनिक बैलेंस तो यहाँ पे फिर से ये क्या है फिल्ट्रेट कंसेंट्रेटेड है अब जाएगा इसमें कोलेक्टिंग यहाँ क्या होगा और ज्यादा फिल्ट्रेट और ज्यादा वोटर जो है वो एब्जॉर्ब होगा और यूरिया कुछ यूरिया भी जो स्पेस है उसमें जाएगा क्यों इंटरस्टेश को मेंटेन करने के लिए ठीक है अब देखिए इसमें ये दिख रहा है ना यहाँ पी सी टी में क्या क्या एब्जॉर्ब हो रहा है क्या क्या सीक्रेट हो रहा है फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ एनल में क्या क्या सिक्रेट हो रहा है और क्या क्या एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ मेन क्या है वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर के लिए परमिएबल है और यहाँ वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है यहाँ इलेक्ट्रोलाइट का हो रहा है तो यहाँ कैसा है डाइल्यूट है जो फिल्ट्रेट है यहाँ कैसा है कंसनट्रेटेड है ठीक है और यहाँ पे फिर कंसनट्रेटेड होगा क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ फिर वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है फिर कंसेंट्रेटेड होगा यानी जो फिल्ट्रेट यहाँ था और जो फिल्ट्रेट यहाँ है यहां जो फिल्ट्रेट था उसके कंपैरिजन में ये वाला जो फिल्ट्रेट लास्ट में बचा है ये फोर टाइम कंसंट्रेटेड होता है ठीक है इसके स्टार्टिंग वाले के कंपैरिजन में ये वही सब बता रखा है कहा कौन सी चीज एब्जॉर्ब हुई कहा कौन सी चीज सिक्रेट हुई ये फिर है कि मकैनिज्म कौन सा है जो कंसंट्रेट करता है फिल्ट्रेट को इसमें है काउंटर करंट मैकेनिज्म ठीक है ये यही बता रखा है कि कैसे हम पढ़ते हैं कि कैसे कंसंट्रेट होता है यूरिन ठीक है तो इसमें हेल्प करती है हनल स्लूप और वाजारेक्टी ठीक है इन दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगी तो इसको बोल लेंगे कि ये काउंटर करंट मैकेनिज्म है ठीक है इसमें जो लिम्स है वाजारेक्टा की इसमें भी काउंटर करंट मैकेनिज्म फॉलो होगा द प्रोक्सिमिटी बिटवीन हनन स्तुप एंड वाजारक्ता, जो इन आपस में पास पास हलन हनुप और वाजारक्ता, वो हेल्प करेंगे ओजमोलैरिटी को मेंटेन करने में पहले थी ओजमोलैरिटी 300 ओजमोल पर लीटर अब है 1200 ओजमोल पर लीटर इसका कहने का मतलब है पहले जो फिल्ट्रेट था और बाद में जो फिल्ट्रेट है वो ज्यादा कंसेंट्रेटेड है पहले के कंपैरिजन में ठीक है अब ये देखिए ये है हनल स्लूप और ये है वाजारेक्टा ये है वाजारेक्टा ये है हनल स्लूप अब यहाँ पे जो जोजॉप्शन हुआ एन एस सी एल का बाहर निकला ठीक है और ये क्या करेगा इसमें चला जाएगा वाजारेक्टा में अब ये जो असेंडिंग लिम है यहां से फिर यहाँ ये चला जाएगा इंटरस्टेशम स्पेस मेंटेन में करने के लिए ठीक है ये क्या है एक तरह से मेंटेनेंस के लिए है कि कैसे हम फिल्ट्रेट को मेंटेन करें कंसेंट्रेट करें ठीक है वोटर देखो यहाँ है यहां से एबजॉर्ब हो रहा है इस वाले रीजन से सीक्रेट हो रहा है तो ठीक है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होता है इसमें जो हो रहा है इसमें उल्टा हो रहा है ठीक है <coughs> ये देखो ये, ये वही चीज बता रखी है एन इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिंब ऑफ हनल्स लूप्स ये ascending limbs of है, ascending ये है और कहां चला गया इसकी descending limbs में की descending limbs में की टा ठीक है फिर यहां से क्या होगा NaCl इज रिटर्न टू इंटरस्टेडियम बाय असेंडिंग लिम्स ऑफ वाजारेक्टा ये मैंने बताया था ना इस असेंडिंग लिम्स से फिर इंटरस्टेशियम में आ जाएगी ठीक है Similarly, small amount of enter the segment of urea segment ascending limbs of funnels, which is transported back to interstitium by collecting duct. अब देखो, ये बता रखा है कि कुछ यूरिया जो है वो एंटर करेगा किस में हनल्स रूप में जो असेंडिंग पार्ट है उसका हनल्स loop में यहाँ पे यूरिया एंटर कर जाएगा पर ये दोबारा कहा निकल जाएगा कोलेक्टिंग डक्ट से यहाँ इंटरस्टेशियम में तो बैलेंस हो गया बैलेंस ही करते हुए चलना है ठीक है आई बात समझ में तो इसको हमने बोला काउंटर करंट मकैनिजम ठीक है दिस मकैनिज्म ठीक है ह्यूमन किडनी प्रोड्यूस ये मैंने पहले भी बताया फोर टाइम कंसेंट्रेटेड इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म जो यूरिन बनेगा वो फोर टाइम कंसेंट्रेटेड होगा ठीक है अब है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन किडनी का जो फंक्शन है उसको रेगुलेट कौन करता है इसमें हेल्प करता है जक्स्ट्रा और हार्ट आइए देखते हैं कैसे करता है जो ओस्मोटिक चेंज होता है बॉडी में वॉल्यूम कम हो जाता है तो ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं हाइपोथेलमस में वो क्या करते हैं सिग्नल भेजते हैं पोस्टीरियर पुटेट्री को क्या करें एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन ठीक है ये क्या है एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन ये क्या करेगा नाम से ही पता चल रहा है एंटी डायूरेटिक वोटर का रीअब्जोशन करेगा ठीक है कहालेक्टिंग ट्यूबल से उससे क्या होगा यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाएगा आई बात समझ में और क्या फंक्शन है इसका ये कॉन्स्ट्रिक्टर है वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा उससे क्या होगा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज होगा और फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज होगा ठीक है तो दो फंक्शन हुए एक तो यूरिन को कंसेंट्रेट किया एक जो फिल्ट्रेशन रेट है उसको भी बढ़ाया क्योंकि वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है उससे प्रेशर बढ़ेगा फिर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा अगर जब प्रेशर ज्यादा है ये वॉल्यूम है कम है तो ये प्रोसेस चलेगा अगर ज्यादा है तो बैक प्रोसेस चलेगा ये ओजमो रेगुलेटर है ये स्विच ऑफ हो जाएंगे एडीएच है वो एक्टिव रिलीज नहीं होगा और ये यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा ठीक है अब देखो ये एक और मैकेनिज्म है इसमें क्या है जो एंजियोटेंसिनोजन है वो रिलीज होता है लीवर से यहाँ किडनी से रेनिन रिलीज होता है वो क्या करेगा इसको एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट करेगा लिवर से सिक्रीट होता है कन्वर्टिंग e. एंजाइम, ये क्या करेगा वन को टू में कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन वन है उसको टू में कन्वर्ट करेगा ये क्या करेगा एड्रेनल ग्लैंड से एल्डोस्टीरोन रिलीज करवाएगा ये क्या करेगा रिओब्जॉर्शन ऑफ एन और वोटर फर्दर क्या होगा कंसेंट्रेशन का एक और फंक्शन है 2 का 2 का ठीक है लीवर से क्या रिलीज होगा एंजियोटाइनसिनोजन रेनिन जो किडनी से रिलीज हुआ है वो क्या करेगा इसको एंजियोटाइनसिन वन में कन्वर्ट करेगा फिर जो लंग से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है वो क्या करेगा इसको एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट करेगा ये एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि एल्डोस्टीरोन रिलीज कर क्यों क्योंकि रिओब्जॉर्बन करना है किसका एनएसएल का और वोटर का ठीक है और इसका एक और फंक्शन क्या है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो वही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा ओके उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा एक है आर्ट्रियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर ये कब रिलीज होता है जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है आर्ट्रिया में ठीक है ये क्या करता है वेजो डायलेशन डायलेट करता है ये ब्लड वेजल को इससे क्या होगा डिक्रीज होगा ब्लड प्रेशर ये क्या करता है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को रोकता है उससे क्या हो रहा था ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा था अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया और हमें कम करना है तो ये हमारी हेल्प करता है ठीक है टूरेशन प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक ये कैसे होता है जब यूरिन ब्लैडर में आके इकट्ठा हो जाता है तो उस पर रिसेप्टर्स होते हैं वो सी एन एस को सिग्नल भेजते हैं सी एन एस बदले में मोटर सिग्नल भेजता है कि जो कॉन्ट्रेक्शन शो करवाए मसल्स का स्मूथ मसल्स जो ब्लैडर की है वो कॉन्ट्रेक्शन शो करने लगती है और जो स्पिंटर्स हैं यूरेथल यूरेथ्रल स्विंटर्स वो क्या करते हैं रिलैक्स हो जाते हैं उससे क्या होता है यूरिन इजीली रिलीज हो जाता है और उसको हम बोलते हैं मिक्टु रेशन ठीक है अडल्ट ह्यूमन कितना करता है टू लीटर और अगर बात करें तो ल, ल, ला, लाइटली येलो होता है स्लाइटली एसिडिक होता है और हम यूरिया कितना एक्सक्रीट करते हैं ट्वेंटी फाइव टू थर्टी ग्राम एक दिन में ठीक है अगर ग्लूकोज और बॉडीज ब्लड में है तो हम बोलते हैं ग्लाइको ग्लूकोज में तो नाम से ही पता चल रहा है ग्लाइकोसुरिया कीटोन बॉडीज है तो किटोन यूरिया ये किस केस में होते हैं डायबिटीज मिलाइटस में ठीक है अब जो है किडनी का देखा हमने लंग भी है जो किसके एलिमिनेशन में हेल्प करते हैं सीओ टू के एलिमिनेशन में लीवर है वो किसके एलिमिनेशन में हेल्प करता है और कुछ हॉर्मोन्स हैं 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 ड्रग्स जो बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है उनके एलिमिनेशन में हेल्प करता है ठीक है जो स्वेट ग्लांट है हमारी बॉडी में बेसिक ग्लांट है वो भी हार्मफुल वेस्ट जो है सबस्टांसिस है उनके एलिमिनेशन में हेल्प करते हैं ठीक है अब है डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम यो यूरेमिया है यूरिया इन ब्लड एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड क्या बोल लेंगे यूरेमिया ये हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए इससे क्या हो जाती है किडनी फेल हो जाती है तो उस पर्सन में जिसमें किडनी फेल हो गई है उसमें हम यूरिया को बाहर कैसे निकालें ऐसे पर्सन में डायलिसिस करनी पड़ती है ब्लड की जिसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस ठीक है इसमें क्या होता है कि ये जो पर्सन है देखो इसमें क्या करते हैं यहाँ से ब्लड लेते हैं और एक ये डायलाइजर है यहाँ पे क्या होता है ये जो ट्यूब है इसमें मेम्ब्रेन है जो सेमी परमिबल है और इसके यहाँ पे फ्लूड है जिसको हम बोलते हैं डायलाइजर फ्लूड अब ब्लड यहाँ पे आएगा तो यहाँ क्या करेगी ये ट्यूब ये जो मेम्ब्रेन है इसमें से जो यूरिया है ये यहाँ चला जाएगा यहाँ पे और यहाँ से हम बाहर कर लेंगे जब ब्लड है अब यहाँ जो ब्लड है यहाँ आएगा वो प्योर ब्लड है ये जो ब्लड है हम दोबारा से इस पर्सन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं ठीक है लेकिन क्लोटिंग न हो इसके लिए हमें कोएगुलेंट्स डालने पड़ते हैं हिपेरिन ठीक है हम क्या करेंगे यहाँ से ब्लड निकालेंगे यहाँ जो डायलाइजर अपरेटस है उसमें फिल्टर है मतलब ये ट्यूब है एक उसके चारों ओर यहाँ फ्लूड है यहाँ से ब्लड आएगा तो यहाँ मैमब्रेन है इसमें से यूरिया बाहर आ जाएगा जो भी वेस्ट है और प्योर ब्लड है हम दोबारा से प्रसन्न में इंजेक्ट कर देते हैं ये प्रोसेस होता है डायलिसिस का ठीक है देखो ये बता रखा है सेलोज मैम्रेन ऑफ ट्यूब ऑफ मोलिकुल बेस्ड ऑन कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट नाइट्रोजनस वेस्ट आर अब्सेंट इन डायलाइजिंग फ्लूड दिस सब्सटेंस आउट देयर बाय क्लियरिंग द ब्लड blood blood is pumped back to body through a vein. Coagulation नहीं होने देते का, है. फिर है renal इसमें क्या है जिसको बोलते हैं pathri renal stones. ठीक है वो बन जाते हैं ये क्या होते हैं Oxalate होते हैं साल्ट होते हैं इंसोल्यूबल ठीक है जो harmful होते हैं पेन होता है इसमें काफी Glomerulonephritis. इन्फ्लॉमेशन ऑफ ऑफ़ किडनी जो ग्लोमेरुलस हमने पड़ा था उनका इन्फ्लॉमेशन हो जाता है ठीक है आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर